दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों यह कथा बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुने। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है व्यापारी का बेटा और राजकुमारी तथा एक विचित्र रहस्य। आइए कथा श्रवण करें। एक बार एक राजा अपने आदमियों के साथ शिकार खेलने गया तो कुछ ही देर में आसमान में काले बादल घिर आए और भारी बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए लोग चारों तरफ भागने लगे। उस बारिश में राजा रास्ता भूल गया। उसको एक अकेला मकान दिखाई दे गया तो वह उस मकान में शरण लेने के लिए उधर की तरफ चल पड़ा। उस मकान में एक बूढ़ा रहता था। राजा ने उस बूढ़े से पूछा, क्या आप मुझे रात भर के लिए यहां शरण देंगे? बूढ़ा बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं महाराज, अंदर आ जाइए और आग के पास बैठिए, थोड़ा गर्म होइए और अपने आप को सुखवाइए। राजा ने अपने गीले कपड़े खूंटी पर टांग दिए और वहां पड़े एक पलंग पर लेट गया। कुछ ही देर में वह सो गया। रात को किसी समय उसकी आंख खुली तो उसने उस बूढ़े को किसी से बात करते हुए सुना। उसने उस बूढ़े को घर भर में ढूंढा पर जब वह उसको घर में कहीं नहीं मिला तो वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने बाहर देखा तो आसमान तो साफ पड़ा था और आसमान में तारे चमक रहे थे। दरवाजे की सीढ़ियों पर वह बूढ़ा अकेला बैठा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, ओ भले आदमी, तुम अभी अभी किससे बात कर रहे थे? बूढ़ा बोला, मैं ग्रहों से बात कर रहा था। राजा ने फिर पूछा, ग्रहों से तुम क्या कह रहे थे? बूढ़ा बोला, मैं उनको अपने लिए अच्छी किस्मत लाने के लिए धन्यवाद दे रहा था। क्या अच्छी किस्मत? बूढ़ा बोला, यही कि उन्होंने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है कि आज की रात उन्होंने मेरी पत्नी को एक बेटा दिया और आपके ऊपर भी कि उन्होंने आपकी पत्नी को एक बेटी दी। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो वह आपकी बेटी से शादी कर लेगा। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि वह सोच ही नहीं सकता था कि अगर आज की रात उसके कोई बेटी भी हुई तो वह उसकी शादी उस गरीब बूढ़े के बेटे से कर देगा। वह गुस्से से बोला, ओ नीच जात, यह सब बेकार की बात मुझसे करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमको इसकी सजा मिलेगी। उसने कपड़े पहने और सुबह होते ही अपने महल चला गया। रास्ते में उसको अपने नौकर मिले जो उसको ढूंढने के लिए निकले थे और वे बोले, महाराज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, कल रात रानी ने एक बेटी को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। राजा तुरंत ही अपने महल की तरफ चल दिया। जैसे ही वह अपने घोड़े से उतरा तो उसके दरबारियों ने उसे घेर लिया और उसको बताया कि उसके बेटी हुई है। जब वह अंदर पहुंचा तो आयाओं ने उसको उसकी बेटी दिखाई। बच्ची को देखते ही उसने अपने राज्य में मुनादी पिटवा दी कि कल रात जितने भी लड़के पैदा हुए हैं उनको ढूंढ कर मार दिया जाए। उसके सिपाही तुरंत ही शहर भर में गए और एक घंटे में सारे शहर को छान मारा। उनको केवल एक ही लड़का मिला जो कल रात पैदा हुआ था। उन्होंने उसको उसकी मां से छीना और राजा के हुक्म से उसको जंगल ले गए। वे दो सिपाही थे और जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई तो उनके दिल में दया आ गई। उन्होंने सोचा कि क्या हमको सचमुच में इस भोले भाले बच्चे को मारना चाहिए जो बेचारा अभी केवल एक दिन का ही है। यहां यह कुत्ता है, हम इस कुत्ते को मार देते हैं और इसका खून इस बच्चे के कपड़े पर लगाकर राजा के पास चलते हैं और इस बच्चे को भगवान की दया पर यहीं छोड़ जाते हैं। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने कुत्ते को मारकर उसका खून बच्चे के कपड़ों पर लगाया और उसके कपड़े राजा के पास ले गए और बच्चे को वहीं जंगल में पड़ा छोड़ दिया। बच्चा जंगल में पड़ा चिल्लाता रहा।
एक व्यापारी जो पड़ोसी देश का था वहां से अपना सामान बेचने के लिए उधर से गुजर रहा था कि उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वह उधर गया तो उसको झाड़ियों में पड़ा एक बच्चा मिला। उसने उसको उठा लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोला, प्रिय आज मैं तुम्हारे लिए पहली बार कुछ ऐसी चीज लेकर आया हूं जो मैंने खरीदी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा यह मुझे जंगल में पड़ा मिला था। हमारे अपने तो कोई भी बच्चा नहीं है, भगवान ने हमें यह बच्चा इसीलिए दिया है शायद। उन्होंने उस बच्चे को बहुत प्यार से 20 साल तक पाला पोसा। वह बच्चा भी तब तक यही सोचता रहा कि वह उस व्यापारी का ही बेटा था। उस बच्चे के 20वें जन्मदिन पर उस व्यापारी ने उससे कहा, मेरे बेटे अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं और अब तुम भी एक जवान नवयुवक हो गए हो। अब तुम मेरे हिसाब किताब और सामान को देखो भालो और तुम विदेश का हिसाब किताब संभालो। उस नौजवान ने अपने पिता की किताबें और बक्से आदि संभाले और अपने पिता के आशीर्वाद और नौकरों के साथ घर छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह पड़ोसी राज्य में आया तो वहां एक बहुत अमीर व्यापारी के आने की खबर राजमहल तक पहुंची। राजा ने उसको अपने महल में बुलवा भेजा और उसको अपने हीरे जवाहरात दिखाने के लिए कहा। यह वही राजा था जिसने इस लड़के को मारने का हुक्म दिया था। इस नौजवान व्यापारी के आने पर राजा ने अपनी बेटी को भी अंदर से बुला भेजा। राजकुमारी भी अब 20 साल की सुंदर लड़की हो गई थी। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि वह भी आकर उस व्यापारी के लाए हीरे जवाहरात देख ले, अगर उसको कुछ पसंद आए तो। राजकुमारी ने जैसे ही उस नौजवान व्यापारी को देखा तो वह तो उसके प्यार में खो गई। राजा ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो उसको खोया हुआ पाया। उससे पूछा, क्या बात है बेटी? कुछ नहीं पिताजी। क्या तुमको इन हीरे जवाहरातों में से कुछ चाहिए? बोलो अगर चाहिए तो। नहीं पिताजी, मुझे ना तो कोई जवाहरात चाहिए और ना ही कोई कीमती पत्थर, पर मुझे यह नौजवान चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है। राजा ने व्यापारी की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम कौन हो नौजवान? नौजवान व्यापारी बोला, मैं पड़ोसी राज्य में धनी नाम के व्यापारी का बेटा हूं। मैं व्यापार के लिए देश विदेश घूम रहा हूं ताकि अपने पिता के बाद मैं उनका कारोबार संभाल सकूं। उस व्यापारी की इतनी सारी संपत्ति देखते हुए राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे करने का फैसला कर लिया। नौजवान शादी के लिए अपने माता पिता को लाने के लिए अपने घर लौटा। घर आकर उसने अपने माता पिता को पड़ोसी राज्य के राजा से मुलाकात की बात बताई और उसकी बेटी से शादी के बारे में भी बताया तो उसकी माँ तो यह सुनकर पीली सी पड़ गई और उसने उसको डांटना शुरू कर दिया। वह बोली, ओ मेरे उपकारों को भूल जाने वाले, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुमको इस राजकुमारी के प्यार में पड़कर घर छोड़कर जाने की इतनी जल्दी है? तो ठीक है, जाओ और फिर इस घर में अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। लड़का बोला, पर माँ मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? मुझे माँ नहीं कहना, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूं। अगर तुम मेरी असली माँ नहीं हो तो फिर मेरी असली माँ कौन है? भगवान ही जानता है कि वह कौन है, हमने तो तुमको जंगल में पड़ा पाया था। कहकर उसने उस लड़के को सारी कहानी सुना दी, जिसको सुनकर वह लड़का तो बस बेहोश होते होते बचा। अपनी पत्नी के गुस्से को देखकर व्यापारी अपने उस बेटे को कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बहुत दुखी होकर व्यापारी ने उसे कुछ पैसे दिए और व्यापार करने के लिए कुछ सामान दिया और उसको जहां वह जाना चाहता था जाने दिया। चलते चलते वह लड़का एक जंगल में आ निकला। वहां उसको रात हो गई थी। वह जमीन पर गिर पड़ा और अपने हाथों से जमीन पीट पीट कर रोने लगा। माँ माँ, अब मेरे लिए इस दुनिया में क्या है? मैं बिल्कुल अकेला हूं और मेरी माँ की आत्मा, मेरी सहायता करो, मुझे रास्ता दिखाओ। तभी उसके पास फटे कपड़े पहने लंबी दाढ़ी वाला एक आदमी प्रकट हुआ। वह बोला, क्या बात है मेरे बेटे,
तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया और साथ में यह भी बताया कि वह अपनी होने वाली पत्नी के पास क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अब उसको पता चल गया था कि वह उस धनी व्यापारी का असली बेटा नहीं था। बूढ़े ने कहा, तुम डरते क्यों हो बेटे? चलो उस राज्य चलते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। लड़के ने उस फटे कपड़े पहने बूढ़े की तरफ देखा और बोला, तुम क्या तुम मेरे पिता हो? तुम शायद सपना देख रहे हो। बूढ़ा बोला, नहीं बेटे, मैं सपना बिल्कुल नहीं देख रहा, मैं तुमको सच बता रहा हूं और मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारी अमीरी वापस दिला सकता हूं, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। नौजवान ने उस बूढ़े की तरफ देखा और सोचा, मुझे तो हर हाल में बर्बाद होना ही है, तो क्यों ना मैं इस बूढ़े के साथ जाकर ही बर्बाद हो जाऊं। सो उसने उस बूढ़े को अपने घोड़े पर बिठाया और उसको साथ लेकर पड़ोसी राज्य चला आया। वह उस राज्य के राजा से मिलने गया तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? लड़के ने बूढ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह है मेरे पिता। यह आदमी तुम्हारा पिता? और तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए यहां मेरे पास आए हो? बूढ़े ने बीच में राजा की बात काटी, महाराज मैं वही बूढ़ा हूं जो जंगल में एक बारिश की रात जब आप मेरे घर में शरण लेने के लिए आए थे तो मैं ग्रहों से बात कर रहा था, जिसने आपको अपने बेटे और आपकी बेटी के जन्म की खबर सुनाई थी और यह भी बताया था कि वे दोनों शादी कर लेंगे। यह लड़का और कोई नहीं, मेरा ही बेटा है। यह सुनकर तो राजा और बहुत गुस्सा हो गया। निकल जाओ यहां से ओ बूढ़े, चौकीदार पकड़ लो इनको। यह सुनकर उसके चौकीदार उस बूढ़े को पकड़ने आए तो उसने अपने फटे कपड़े निकाल दिए। उसकी छाती पर सम्राट की सुनहरी पोशाक चमक रही थी। राजा और उसके चौकीदार दोनों घुटने के बल बैठकर चिल्लाए, सम्राट आप हमें माफ करें, मुझे मालूम नहीं था कि मैं किससे बात कर रहा था। यह मेरी बेटी है, यह अब आपकी अमानत है। असल में सम्राट अपनी राजसी जिंदगी से थक चुका था, इसलिए वह वेश बदल कर संसार भर में सितारों और ग्रहों से बात करता यात्रियों की तरह घूम रहा था। सबने एक दूसरे को गले लगाया और चूमा और फिर शादी की तारीख तय की। धनी व्यापारी और उसकी पत्नी को भी उस राज्य में बुलाया गया। लड़के ने खुले दिल से उन दोनों का स्वागत किया। माँ और पिताजी, आप ही मेरे असली माता और पिता हैं, क्योंकि आपके घर से निकाले जाने पर ही मेरी जिंदगी बन सकी। हालांकि मैं एक राजकुमारी से शादी कर रहा हूं, पर फिर भी आप दोनों हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। उन दोनों बूढ़ों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सम्राट के बेटे और राजा की बेटी दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लग गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।